करुण क्रंदन है, शत शत वंदन है। माँ दहा रही है, भारती पुकार रही है, शहीद हुए जो भारत माँ का नंदन है। ऐ मेरे बरभाग्य वाले भैया, ऐ मेरे बरभाग्य वाले भारत माँ के सपूत, आपको कोटि कोटि जगवंदन है, कोटि कोटि जगवंदन है, कोटि कोटि वंदन है। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत हो, इससे पहले जो हमारे देश को जो क्षति पहुंची है, जितने भी आंख से आंसू नहीं वो रक्त धारा बह रही है। अभी जो मैंने कहा कि माँ जब जब अपना आंचल निचोड़ती है तो बेटे के लहू से ही सिर्फ लहू की धारा बह रही है। उनकी याद में खड़े होकर के उनको स्वर्ग मिले, क्योंकि देश के सपूत थे। और मैं चाहूंगा अपने अपने जगह पे सभी लोग खड़े होकर के एक मिनट का मौन धारण करें। धन्यवाद। गणमान्य अतिथिगण, छोटे छोटे प्यारे प्यारे संस्थान के बच्चों और सभी वरीय पदाधिकारी गण, ये कार्यक्रम जो आज हमारा देश मर्माहत है, इसको महसूस करते हुए हुआ था कि कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे हैं, काफी मेहनत किए हैं और उत्सुकता है बच्चों में, आगे भी कुछ जाने, हमारी संस्कृति को, हमारे इस चीज को महसूस कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें दुखद पूर्ण स्थिति में ही इसे जारी रखना पड़ रहा है, बिल्कुल। और ये शुभ संध्या है जहां जिन बच्चों को आप गोद में लेकर के लोरी सुनाते हो, बच्चे आपको आज लोरी सुनाएंगे, वो बच्चे आपको नृत्य करके दिखाएंगे, आपका मन मोहने की कोशिश करेंगे और आप महसूस कर पाएंगे कि ये जो देव फाउंडेशन है और जो किडजी स्कूल है, ये आपके बच्चों को लेकर के कैसे आपको तैयार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने बच्चों के लिए, और यूं तो तालियां हम लोग हर स्थिति में बजाया करते हैं, खुशी में भी और दुख में छाती और ताली दोनों पीटते हैं, तो मैं चाहूंगा अभी एक जोरदार तालियां हमारे देश के शहीदों के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक जोरदार तालियां अपने बच्चों के नाम जो कार्यक्रम करके देखते हैं। बहुत मुझे लगता है सौम्या, लोगों में काफी उत्सुकता है। बहुत जल्दी हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे बीच हमारे आज के अतिथि श्री स्वयं प्रकाश जी, मिस्टर उदय नारायण जी, सभी लोग मौजूद हैं। मैं चाहूंगा सर लोगों के लिए जोरदार तालियां, जो आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे पहले जी कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य होता है। मैं भी कभी बच्चा था, आप भी कभी बच्चे थे, और अपनी माँ की गोद में जाकर के अपने आप को शहंशाह मानते है या नहीं? अपनी माँ की गोद में जाओ, जो करना है कर लो, लगेगा दुनिया की चीजों से महफूज है, आंचल में छुपे हुए हैं, कोई मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिल्कुल वो शाख है न फूल, अगर तितलियां ना हो वो गर्भी, कोई घर है जहां बच्चियां ना हो। तो कहते हैं बच्चे से ही हमारी रोशनी होती है, और एक माँ, एक औरत जब माँ बनती है तो उसकी खुशियां क्या होती है, लगता है कि दुनिया की सब कुछ हमने पाए। तो इसी को लेकर के मैं अपने अतिथिगण जो आए हैं, सर आपका बराबर सानिध्यता और आशीर्वाद मिलता रहा है हमारे इस देव फाउंडेशन को। देव फाउंडेशन बच्चों को लेकर के, संस्कृति को लेकर, शिक्षा को लेकर के, गरीबी को लेकर के, और समाज में जो अशिक्षा है, अंधकार है,
उसको इनलाइटमेंट करने के लिए, प्रकाशमय करने के लिए लगातार तत्पर है। और आप जैसे गरिमा में लोगों का, मान्यवर का हमारे हमेशा सानिध्यता मिलती है और आप तमाम लोगों का सेवा करने का मौका मिल पाता है। यह हमारे लिए गौरवमयी क्षण है कि हम आपकी सेवा में चंद श्याम संस्कृति के इस वार्षिक द्वितीय वार्षिक उत्सव पे सजा पा रहे हैं। तो सर, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री श्याम प्रकाश जी, हेड एंड एडिटर इन चीफ जी बिहार एंड झारखंड, सर मैं आपके लिए दो शब्द कहूं कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, सर आप आए तो इस रात की औकात बनेगी, शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बड़ी, वरना ये महफिल ये जज्बात अधूरी रहती, वरना ये महफिल ये जज्बात अधूरी रहती। सर उदय नारायण सिंह सर, एक्स ज्वाइंट कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय समिति MHRD, सर आप आए हैं, हमारा सीना चौड़ा हुआ है सर, बिल्कुल आज की शाम हमारे बच्चे भी महसूस कर पा रहे हैं आपकी गरिमा में उपस्थिति को, कि रौनक के बज्म नहीं ये कोई आपसे पहले, सर रौनक के बज्म नहीं था कोई आपसे पहले, रौनक के बज्म तेरे बाद नहीं है कोई। मैं मिस्टर राजहंस सिंह, उनके मैसेज और तमाम गणमान्य लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने मिशन पे कामयाब है। दिलों में कशिश है, घटना को लेकर के चाह रहे थे कि कार्यक्रम ना ही करें, लेकिन बच्चों की उत्सुकता है, बच्चों पे मेहनत है और उनके माँ बाप के सपने हैं दिखाने हैं, उसी दर्द के बीच हम थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। हम दो पल में मुस्कुराते हैं सर, या तो हम बहुत दर्द में मुस्कुराते हैं या खुशी में मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना पड़ता ही है, कितना भी दिल पे जब दर्द आता है तो मुस्कुरा लेते हैं और जब खुशी होती है तो मुस्कुराना, मुस्कुराने की आदत है। क्या सोमे आपका क्या मानना है? बिल्कुल सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आई वुड लाइक टू आस्क टू द पेरेंट्स समथिंग। वेरी नाइस। पेरेंट्स आर यू एक्साइटेड? आवाज नहीं आ रही, आई कांट हियर यू, आर यू एक्साइटेड? थोड़ा और लाउड। पेरेंट्स प्लीज, हमारी बच्ची ने बहुत मेहनत की है, आपको तालियों के साथ हमेशा उनका उत्साह ऊपर रखना। पेरेंट्स आर यू एक्साइटेड? आपको जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां जी, बिल्कुल। कहते हैं सौम्या, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी हाल में कहते हैं नजर को बदले तो नजारे बदल जाते हैं, ध्यान देंगे शहराना अंदाजे तो रसा लेकिन बिगड़ी हुई नहीं, इसमें कुछ बातें छोटी है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे बच्चे और जवान जो अक्सर बिगड़ते रहते, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अक्सर हार जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग बड़े बुजुर्ग भी हार जाते हैं अक्सर, क्योंकि मैं PMCS में डॉक्टर हूँ तो लोग ऐसे आते हैं कि अब तो मैं मेरे कोई रास्ता नहीं बदलता। मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। 2 मिनट में ही आपसे फिर मुखातिब होंगे, हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं, कार्यक्रम के आगाज जोरदार तरीके से करेंगे, हमारे बच्चे आपके बीच मुस्कुरा करके आपको थिरक करके दिखाएंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम विराम लेते हैं।